एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते लेखाकार को पकड़ा। एंटी करप्शन टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते लेखाकार को दबोचा। लेखाकार विकास खंड सरीला में तैनात था। जी हां, विकासखंड सरीला में तैनात लेखाकार को एंटी करप्शन टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते दबोचा है। आरोप है कि लेखाकार ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख के मानदेय देने के नाम पर उनके पुत्र से रिश्वत मांगी थी। टीम ने तह तक जाने के लिए मामले से जुड़ी फाइलों को बारी बारी से देखा तथा वीडियो व अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की। विकासखंड में लंबे अरसे से तैनात लेखाकार पुतन लाल वर्मा को मंगलवार को 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद कुमारी का कार्यकाल 11 माह 17 दिन का था। इनके मानदेय का लगभग 1,00,000 रुपए बाकी था। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पुत्र मनीष कुमार ने बताया कि विकासखंड में तैनात बाबू 20,000 बतौर सुविधा शुल्क लेने के बाद मानदेय देने को राजी हुआ था। इससे पहले वह मानदेय दिलाने के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके था। आगे बताया कि जब वह परेशान हो गया तो यूटा के पदाधिकारियों के माध्यम से एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। हमीरपुर से पंकज कुमार शर्मा की एक रिपोर्ट। मैं मनीष कुमार, मेरी माता जी के नाम से चंद कुमारी राजपूत बरहारा जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही हैं, उनका मानदेय 11 माह 17 दिन का जो कि 1,00,000 है के आसपास था। उसके लिए मैं ब्लॉक में कई बार परेशान हुआ और बीडीओ साहब और पुतन लाल वर्मा जी से भी मिला। सारी समस्याएं जानने के बाद भी उन्होंने भुगतान नहीं किया, जिसके लिए मुझे 20,000 रुपये की डिमांड की गई और मैंने इस शिकायत को मिस्टर विक्रांत पटेरिया जी जो कि यूटा के प्रदेश संयोजक हैं उनसे पूरी वार्ता बताई। उसके बाद उन्होंने मुझसे झांसी विजिलेंस डिपार्टमेंट से संपर्क करवाया। उसके बाद आज वो पुतनलाल वर्मा जी 20,000 रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। मनीष कुमार राजपूत जी हैं, इनने झांसी आकर हमारे कार्यालय में 23 तारीख को एक एप्लीकेशन दिया था कि इनकी माँ चंद्र कुमारी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख सरीला रही हैं, इनका मानदेय लगभग 1 वर्ष का था, जिसके मानदेय को बरामद कराए जाने के एवज में पुतन लाल लेखाकार जो लिपिक हैं सरीला वीडियो कार्यालय में, इनके द्वारा 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी, तो इनका मामला 20,000 रुपये में तय हुआ। आज इनका तय हुआ कि 26 तारीख को पैसे ले लेंगे। इसकी शिकायत इन्होंने हमारे कार्यालय झांसी में आकर की थी, जिसके संबंध में मुख्यालय से टीम का गठन हुआ और जिला अधिकारी हमीरपुर के यहाँ से 2 स्वतंत्र साक्षी लिए गए और आज आके इनको जो है 20,000 रुपये रिश्वत देते हुए हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। रविवार को गिरफ्तार करके यहाँ जरी थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। सर, आपका शुभ नाम क्या है और लखनऊ में है, वहाँ जाकर पेश किया गया। मुकदमा सर आपकी ओर से पंजीत कराया गया है या और किसी ने? नहीं, मुकदमा हमारी तरफ से पंजीत कराया गया है। जी, थैंक यू। इस बार में एसीबी की टीम आई हुई थी और उन्होंने हमें जानकारी दी कि हमारे कर्मचारी को वो लेके गए हुए हैं। इतनी जानकारी हमें प्रोवाइड कराई है। कितने लेके गए सर? अभी थाने ले जाएंगे कार्रवाई करने के लिए, जो भी कार्रवाई करनी होगी वो खुद स्वयं करवाई। थाने किस बाबत ले गए? अब एसीबी की टीम है, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है, करप्शन रिलेटेड चीज़ों के लिए लेके गए।